हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है हम सब के अपने चैनल मोल्डिंग माइंड्स पर। आज हम आपके सामने हमारे नए शुरू किए गए सेक्शन, जिसका नाम है व्हाट इज स्पेशल अबाउट टुडे, में 18 दिसंबर यानी कि आज के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, और साथ में करंट अफेयर क्विज के 10 क्वेश्चन जो आज की डेट से जुड़े हुए हैं वो लेकर आएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के बारे में। तो आज जो है माइनॉरिटीज राइट्स डे मनाया जाता है भारत में, जो कि 18 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं विजय सैमुअल हजारे के बारे में। विजय सैमुअल हजारे जो हैं, ये आज के दिन इनका जो मरण दिवस जो है वो है। तो इनके बारे में अगर हम बोलें तो ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, जिनका जन्म 11 मार्च 1915 को हुआ था, और जो कि 18 दिसंबर 2004 को ये दिवंगत हुए थे। और इनकी जो एज है वो 89 ईयर है। इनके नाम पर विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट में शुरू की गई है भारत के अंदर। तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पिक्चर है, ये पिक्चर है मिस्टर सरबजीत जी की। तो आवर डीप कंडोलेंस इज विद मिस्टर सरबजीत फैमिली। एक्चुअली ही वॉज बोर्न इन दिस डे ऑन 18th of December 1963, एंड ही वॉज ट्राइड एंड कन्विक्टेड बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर अ सीरीज ऑफ बॉम्ब अटैक्स इन लाहौर एंड फैसलाबाद दैट किल्ड 14 पीपल इन 1990। हाउएवर अकॉर्डिंग टू इंडिया, सरबजीत वॉज अ फार्मर हुज ट्रेड इन टू पाकिस्तान फ्रॉम हिज विलेज लोकेटेड नियर द बॉर्डर 3 months बिफोर द बॉम्बिंग। तो आज इनका भी जन्मदिन है एक्चुअली। तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो बर्थडे है वो है जे जे थॉम्सन जी का। जे जे थॉम्सन जो है ये एक भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु कक्ष की संरचना का एक्सप्लेनेशन दिया था, जो कि इनकी थ्योरी थी, जिसके अंदर इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बताया था, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जे जे थॉम्सन के नाम से ही जाना जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी, जो कि हुई थी वर्ष 1897 में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बर्थडे के ऊपर। तो नेक्स्ट बर्थडे जो है वो है एक WWE रेसलर का, जिनका नाम है स्टीव ऑस्टिन। एक्चुअली इनको पूरा बोला जाता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। उसके बाद नेक्स्ट जो जन्मदिन है वो है कैप्टन अभिमन्यु जी का। ये राजनीति श्रेणी में, राजनीति में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और एक्टिव पॉलिटिशियन हैं। ये बीजेपी के हरियाणा से बहुत दिग्गज पॉलिटिशियन हैं। तो इनका भी आज जन्मदिन है, तो उसके ऊपर भी हम इनको हैप्पी बर्थडे विश करना चाहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो जन्मदिन है आज वो है मनदीप सिंह का। ये एक मल्टी टैलेंटेड एथलीट है और बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, जो कि आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से खेले हुए हैं। उसके बाद अगले जो जन्मदिन है, अगला जन्मदिन है मिस्टर लालचंद राजपूत जी का, जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं और करंट में हेड कोच हैं ये जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के। उसके बाद आज का हमारा अंतिम जन्मदिन है वो है देवेंद्र सिंह कांग का। ये भारतीय जेवलिन थ्रोअर हैं, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था 2017 की एशियन और एथलेटिक ओलंपिक एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में। तो ये था सभी जन्मदिन और आज के दिन के बारे में खास खास चीजें। अब हम बात करेंगे 18 दिसंबर के 10 करंट इवेंट क्वेश्चन के बारे में या क्विज के बारे में। तो दोस्तों, आज के करंट इवेंट का पहला क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में किस रॉकेट से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है CMS-01 को लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर है PSLV-C50। ओके, यहाँ पे आप उत्तर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में किस शहर में SN लक्ष्मी साई श्री ने 58 मिनट में 46 डिशेज बनाकर यूनेस्को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई? तो उत्तर है यहाँ पर चेन्नई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल इनमें से किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में हाल ही में अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड पायनियर हेरिटेज लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है यस बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक? तो उत्तर है यहाँ पे इसका इंडसइंड बैंक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रॉबर्ट लेवांडोस्की ने जर्मन लीग, जिसका नाम है बुंदेस लीगा, में 250 गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में इन्होंने पहचान पाई है। तो ये कौन से में खिलाड़ी हैं, आपको इनका वो बताना है, सीक्वेंस बताना है, पहले हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, चौथे हैं? तो ये ऐसे तीसरे खिलाड़ी हैं स्टूडेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने रेगुलेटरी सेट साइड बॉक्स के इनोवेशन हब वाले प्रोग्राम के दूसरे चरण में रेमिटेस
सिस्टम को लगाने की योजना बनाई वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार, नाबार्ड या भारतीय रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक ने ऐसा किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 188 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो 131वां स्थान भारत को इसमें मिला है सूची में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 18 दिसंबर को देश भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हमने भी बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर दो, ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को पूरे विश्व भर में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य में बालासोर के तट पर दो पृथ्वी दो बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है? तो यहाँ पर उत्तर देखते हैं, उत्तर है इसका उड़ीसा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से तिलहटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया? जापान, अमेरिका, बांग्लादेश या चीन? ऑप्शन में है, तो उत्तर है यहाँ पर बांग्लादेश। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन जो है, अगले साल 2021 में किस देश की अध्यक्षता में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया? जापान, अमेरिका, कनाडा या ब्रिटेन? तो यहाँ पर उत्तर इसका जो है वो है ब्रिटेन। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के जीके क्विज, करंट इवेंट के जीके क्विज के क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सभी चाहें तो आप सबको पूरा वन लाइनर जो आज का करंट इवेंट है, 1 दिसंबर से हमने एक चैनल शुरू किया, वहां पर आपको मिल सकता है। तो उसका लिंक जो है मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाला हूँ। तो वहां पर जाकर आप टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, और वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको वहां पर जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे डेली, पॉलिटी या किसी भी जीके के क्वेश्चन के साथ में, करंट इवेंट के वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उस चीज का लाभ उठा सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। वीडियो को एग्जिट करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपके जो सभी आइडियाज हैं, थॉट्स हैं या कोई भी आपका व्यूज है जो आप हमारे बारे में, हमारे टीचिंग स्टाइल के बारे में, हमारे जो डाटाज के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं सजेशन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।